बेमेतरा जिले के बेरला ब्लॉक स्थित बारूद कंपनी में हुए विस्फोट पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेमोरियल हॉस्पिटल के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर शिवम पटेल ने कहा कि कुल 7 मरीज लाए गए थे, जिसमें से एक को मृत लाया गया था, बाकी 6 मरीजों का इलाज चल रहा है। 6 मरीजों की स्थिति स्थिर है और वे खतरे से बाहर है। एक्सरे के बाद ही फ्रैक्चर की पुष्टि हो सकेगी। टोटल 7 मरीज लाए गए हैं वहाँ से, उसमें से एक तो ब्रॉड डेड था, जो जिसको लाने पर ही उसका मतलब श्वास नहीं चल रही थी, अब हम उसको ब्रॉड डेड डिक्लेयर किया गया। बाकी 6 मरीज, अभी 6 मरीजों का उपचार चल रहा है, उनको हम लोगों ने इनिशियल रिससिटेशन वाइटल्स वगैरह लेके, बीपी वगैरह लेके, अपन आईवी फ्लूड्स वगैरह दिए हैं, और साथ में अभी एक्सरे और यूएसजी के लिए भी भेजा जा रहा है, जिसमें हम लोगों को और इंजरी फ्रैक्चर वगैरह पता चल पाएगा। बाकी 6 मरीज की अभी स्थिति ठीक है, ऐसे जान का खतरा नहीं लग रहा है। बाकी आप बाकी रिपोर्ट्स आने के बाद और आगे की स्थिति बता पाएंगे। फ्रैक्चर्स तो लग रहे हैं, वो एक्सरे के बाद ही कंफर्म हो पाएगा, और बाकी ऐसे जान का खतरा किसी को नहीं है अभी। बाकी 6 मरीजों का अभी तो मेरे पास और जानकारी नहीं आई है, ऐसा कुछ और मरीज आ रहे हैं करके, अभी टोटल 7 ही आए हैं।